जाएगी। हाँ। अमरूद कैसा लगता है तुझे? अच्छा। उन्हें वीडियो देख ली होगी और अभी आए हैं हम छत में, मैं और पूजा। सबसे पहले आप सभी को भी संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले आप सभी को राधे राधे। मेरा नाम है सरोज और स्वागत करती हूँ आपका मेरा YouTube चैनल सरोज ढोंगियाल ब्लॉग में। तो आज आ गई हूँ मैं नए वीडियो के साथ और नए वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं इवनिंग से। और आज आप सभी को पता है कि आज है घी संक्रांति, तो सबसे पहले आप सभी को घी संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सुबह हमने संक्रांति बनाई और घी भी खा लिया था, लेकिन सुबह से मैं वीडियो को कंटिन्यू बिल्कुल नहीं कर पाई क्योंकि आज घर में बहुत ज़्यादा काम था। बहुत दिन के बाद धूप आई थी क्योंकि आजकल लगातार बारिश चल रही है, तो मैंने आज बहुत दिन के बाद गेहूँ धोए क्योंकि आटा खत्म हो चुका था और बहुत दिन के बाद धूप भी आ रही थी। तो मैंने उसकी एक छोटी सी क्लिप बना रखी थी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए नित्या भी आ गई हमारे साथ और पूजा और गेहूँ को फैला रहे हैं नीचे। धूप तो हो नहीं रही ठीक से, लेकिन क्या करे, गेहूँ तो पिसाने ही है। पूजा आए हैं छत पे क्योंकि ये बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। नित्या नीचे सो रखी है, भैया भी नीचे है। तो अब पूजा बनाएगी बनाना शेक, और वो कैसे बनाती है मैं आप लोगों को बताती हूँ। चलते हैं हम नीचे। तो आज बना रही है पूजा केले का शेक और मैं उसके लिए लाऊंगी दुकान से दूध, क्योंकि यहाँ दूध बहुत कम है, उससे दूध ज्यादा चाहिए। और यहाँ पे पूजा ने अभी बादाम काट रखे हैं, तो मैं आपको आके दिखाऊंगी। अभी मैं चलती हूँ मार्केट और नित्या भी सो रखी है, तो अब चलती हूँ मैं दुकान और वहाँ से लाना है मुझे दूध। और यहाँ देखिए अभी बारिश आ रखी है थोड़ी देर पहले, तो मौसम ऐसे हो रखा है, थोड़ा पानी पानी सा हो रखा है रास्ते में। और यहाँ आगे बहुत सारा घास है, तो देखती हूँ मिलता है कि नहीं वहाँ मिलता दूध। तो गाइस ये देखिए यहाँ पर कितनी सारी घास है और ये मैं जा रही हूँ। बारिश से बिल्कुल पानी पानी हो रखा है, कीचड़ कीचड़। ये देखिए तो आ गया है मेरे दुकान, वो देखिए सामने। तो जैसे ही मैं दुकान में आया तो कुछ देख जा रहे थे, पता नहीं कौन है। तो गाइस मैं मार्केट से आ गई हूँ और अब करते हैं स्टार्ट। पूजा ने सबसे पहले इसमें केले काट लिए हैं, उसके बाद इसमें दूध ऐड करेगी। ये देखिए दूध ऐड हो चुका है हमारा, और ये हमारा बनाना शेक तैयार हो चुका है। इसमें हमने थोड़ी सी आइसक्रीम भी रखी है क्योंकि आइसक्रीम से ठंडा हो जाता है पूरा और बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। और ऊपर से पूजा ने इसमें बादाम काट के भी रख दी है छोटे छोटे टुकड़े, और ये है हमारा बादाम का शेक तैयार। तो पूजा ने बना दिया है बनाना शेक, ये देखिए, और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये क्योंकि पूजा को ऐसी चीज़ें अच्छी आती है। और यहाँ पर पूजा पी रही है और भैया को दे दिया है अंदर। नित्या तो सो रखी है, अभी जब नित्या उठेगी तो उसके लिए हमने रखा है फ्रिज में। तो यहाँ पर देखिए पूजा भी पी रही है बनाना शेक, वो भी ले आया अपने लिए, उसी ने बना रखा है। और तो अभी आ गई हूँ मैं फिर से छत में और हमने बनाना का शेक पी लिया है, बहुत अच्छा हो रखा था और मैंने भी सीख लिया है। वैसे तो आता है लेकिन पूजा थोड़ा अच्छा बनाती है, उसने आइसक्रीम डाल के बादाम वगैरह बहुत अच्छा बना रखा था। और ये रही पूजा, और देखिए मौसम कितना अच्छा हो रखा है यहाँ का, अभी दिखाती हूँ आपको मौसम। लगी है फिर से बारिश और पूजा चली गई है नीचे, क्योंकि आजकल बारिश का कोई पता नहीं चल रहा है। उसी टाइम बारिश आ रही है, उसी टाइम धूप आ रही है, हल्की हल्की बूंदें पड़ने लग गई है। अब मैं भी चलती हूँ अब नीचे और देखती हूँ नीचे और क्या क्या काम है। गेहूँ तो मैंने, गेहूँ का काम मैंने कर लिया था और अभी पिसाने दूंगी, लेकिन कैसे दूँ, ये बारिश आ रही है तो देती हूँ थोड़ी देर में। ये भैया और पूजा जा सकते हैं गेहूँ पिसाने के लिए। और यहाँ पे है, मैंने कपड़े डाल रखे हैं क्योंकि धूप नहीं है। ये है मेरे गेहूँ, यहाँ पर मैंने कट्टा बांध दिया है गेहूँ का। अब चलती हूँ अंदर, देखती हूँ नित्या उठी है कि नहीं उठी है, कि सो रही है अभी तक, देखते हैं। नित्या
नित्या अभी तक सोई है, देखिए क्योंकि ठंड का मौसम है तो ठंडी ठंडी हवा में अच्छी नींद आती है। तो देखिए नित्या उठ गई है। नित्या उठ गई, अब उठ गई, अरे फिर सो गई। नीतू तो अभी मैं और नित्या आ चुके हैं बाहर पे, वो देखिए। और यहाँ पर नित्या देख रही है कि अमरूद पके हैं कि नहीं पके हैं, और मैं भी देख रही हूँ कि पेड़ पे अमरूद पके हैं कि नहीं पके हैं। पिछले वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मम्मी भी ले गई थी यहाँ पे से अमरूद तोड़ के टीवी के लिए, और वहाँ भी है एक पेड़, लेकिन इसके अमरूद बहुत अच्छे होते हैं। अमरूद खाएगी? हाँ। अमरूद कैसा लगता है तुझे? अच्छा। खाएगी? हाँ। तो ये है नित्या के लिए छोटा सा अमरूद, नहीं तो लो। अरे ले, थैंक यू बोलो। ओहो, खा ले। तो गाइस मैंने भी तोड़ लिया अपने लिए अमरूद, ये देखिए, और ये बहुत अच्छे होते हैं खाने में। यहाँ पे देखिए हमारा पपीता का पेड़ है, और इस पे भी एक पपीता पकने लग गया है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा पक गया है, और 3-4 दिन लगेंगे इसे पकने के लिए पूरा। तो हम घूम के आ गए थे, और उसके बाद पूजा की हमने, और अब पूजा बैठी है नित्या और नित्या की फ्रेंड भी बैठे थे, और यहाँ पर लग रखे मेरी शादी की पैसे, तो सब देख रहे हैं यहाँ पे मिल के। ये देखिए नित्या डांस कर रही है, और ये है खुशी, और ये पूजा भी देख रही है शादी के कैसेट, क्योंकि बहुत टाइम से उसने भी देखा नहीं था। डांस चल रहा है यहाँ पे, और नित्या को बहुत पसंद है मेरी शादी का कैसेट, क्योंकि उसमें सॉन्ग चलते हैं एक से एक, और फिर डांस भी होता है, तो बच्चों को तो ऐसा अच्छा लगता है डांस देखना। नित्या डांस करो, तू है सांसों की।